हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मन बहुत दुखी है और अपने 9th क्लास की लिखी कुछ पंक्तियां मेरे दिमाग में घूम रही है कि आज इतने वर्षों के बाद 20-25 साल पहले मैंने ये कुछ लाइनें बेटियों के लिए, गरीब बेटी के लिए जो के लिए लिखी थी वो आज भी सही है। घर को चलाने के लिए, स्वाभिमान की ज़िंदगी जीने के लिए, रोजगार, अपने एजुकेशन के दम पर पैसा हासिल कर पूरे परिवार को पालना कितनी बड़ी बात होती है, कितनी बड़ी सोच होती है। समाज हमारा विकसित हो रहा है, हम ऐसा क्यों न सोचें, बदल रहा है। लेकिन क्या हम बेटियों को समाज, सुरक्षित समाज दे पा रहे हैं, उनको वो कानूनी व्यवस्था दे पा रहे हैं, एक सुरक्षित समाज काम काज करने के लिए दे पा रहे हैं, रहने के लिए दे पा रहे हैं, जहाँ वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। आज भी नहीं, वो लिखा गया था 20-25 साल पहले और आज भी वही समाज है। फुटपाथ पर बैठी है वो जर्द आँखों में गहरा दर्द भरे हुए, जिसे व्यक्त करने के लिए आंसू भी कम गए हैं। बदन जिसका सूखा पत्ता बन गया है, जीवन में जिसे झरना ही शेष रह गया है, पर अफसोस दिखता कहाँ है, जबको दिखता कहाँ है, उसकी निस्तेज आँखें दुनिया को दिखती है, उसकी यौवन की लड़ियाँ। जुल्म बहुत वह सहती है, टूटे तारों से गम के आंसू पीती है, फुटपाथ पर जर्द आँखों में गहरा दर्द भरे हुए। एक तरफ गरीबी से मर जाने की व्यवस्था है तो दूसरी तरफ रोजगार की असुरक्षित भावनाएं दिल को कचोट देता है। क्या हम आज 21वीं सदी में 5 देशों में इकोनॉमी में हम आने की बातें करते हैं, क्या यही है हमारा तरक्की का डिफिनेशन?